हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हैबिट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस चर्चा में हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और घर में व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडिया। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप मुझे ध्यान से सुनोगे और लाभान्वित होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। तो आप जानते हैं कि मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनबी को, मोहम्मद गौरी को, और साथ ही साथ अगर बात करें तो राजपूत वंश पढ़ते हैं। राजपूत वंश में अगर बात करें तो आप जानते हैं परमार को पढ़ते हैं, प्रतिहार को पढ़ते हैं और चंदेल राजाओं को पढ़ते हैं, चंदेलों को पढ़ते हैं। ठीक, अगर इसी के साथ अगर आगे देखें तो आप जानते हैं सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल को हम डिस्कस करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं हम यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं, तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं और हम सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे वंशों को हम पढ़ते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो साउथ इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं हम विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर इसके आगे थोड़ा सा जाएं तो मुगल काल को हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अरब आक्रमण की। तो आप जानते हैं जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण भारत पर क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, किसने किया और इसमें इतिहासकारों के क्या-क्या मत है। ठीक, तो आप जानते हैं जो अरब आक्रमणकारी आए, इनका एक ही उद्देश्य था, धन लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म को क्या करना, प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना। ठीक, तो आप जानते हैं ईरान में एक राजा हुए जिनका नाम था दमिश्क, ईरान के राजा दमिश्क, और इसी दमिश्क का एक गवर्नर हुआ जिसका नाम था हाकिम अल हजाज। ठीक, हाकिम अल हजाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम, आप जानते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसी ने ही भारत पर सफल आक्रमण किया था। इससे पहले दो व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम, एक उर्वेहदुल्ला और बुंदेल। तो 711 में उर्वेहदुल्ला आया लेकिन असफल रहा, उसके बाद 711 में ही बुंदेल आया, वो भी असफल आक्रमणकारी रहा। लेकिन आप जानते हैं हाकिम अल हजाज जो गवर्नर था किसका, दमिश्क का, उसने भारत पर क्या किया, सफल आक्रमण करा। ठीक, तो आप जानते हैं कि 712 और 711 के क्रम में अगर बात करें तो कुछ एक इतिहासकार हमारे पास, बीडी महाजन जो इतिहासकार है, वो कहते हैं कि मोहम्मद कासिम ना कि 712 में भारत पर आक्रमण करा, इन्होंने 711 में आक्रमण किया। लेकिन इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण करा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ये जो अरबों ने आक्रमण भारत पर किया, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक ग्रंथ है हमारे पास, फारसी ग्रंथ, जिसे हम चचनामा के नाम से जानते हैं। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है, वहीं से हमें जानकारी मिलती है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण जो किया वो किसने किया, अरब वासियों ने किया, अरब आक्रमणकारियों ने किया। ठीक है, और इनका मैंने उद्देश्य बता दिया यहां पे क्या था, धन प्राप्त करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, भारत पर आक्रमण करता है, तो उस दौरान यहां पर राजा कौन था जो सिंध प्रांत पर उसने आक्रमण करा था, जिसकी जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ में भी मिलती है। ठीक है, वही जिसमें जानकारी मिलती है अरबों के आक्रमण की, तो उसी में सिंध विजय की चर्चा भी हुई है, और सिंध प्रांत पर जो विजय पाई वो मोहम्मद बिन कासिम ने पाई, और उस दौरान वहां का जो शासक हुआ करता था उसका नाम क्या था, दाहिर, दाहिर वहां राजा हुआ करता था, उसी को हराया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर हम बात करें कि ये जो दाहिर था ये किसका पुत्र था, तो चच का पुत्र ये दाहिर था। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आने से, अरब आक्रमणकारियों के आने से यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ा, तो नंबर वन बात करें तो हिंदू जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया, दूसरा पॉइंट इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, तीसरा पॉइंट यहां पर खजूर की खेती इन्होंने की,
नेक्स्ट अगर बात करें जजिया कर जो है सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप जानते हैं दिरहम सिक्का जो क्षेत्र उन्होंने जीता था वहां पे दिरहम सिक्का चलाया गया। और तीसरी बात कि जो ये अरब आक्रमणकारी थे इन्होंने क्या किया, हमारे जो ग्रंथ थे इनका अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, ठीक है। जैसे ब्रह्म संहिता हो गया, पंचतंत्र हो गया, इन ग्रंथों का अनुवाद कराया, ट्रांसलेट करवाया इनको, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें इनके आने से यहाँ पर हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इस्लाम की, तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म का उदय भी इन्हीं के आने से ही हुआ। तो इस्लाम के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले, तो इस्लाम धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो मोहम्मद साहब है ना, जिनको पैगंबर के नाम से भी हम जानते हैं, उन्हीं को संस्थापक माना जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो आप जानते हैं 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर जन्म हुआ, तो मक्का में इनका जन्म हुआ। इनके पिता के नाम की बात करें कि पैगंबर साहब के जो पिता थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम अब्दुल्ला था। और माता का नाम क्या था, अमीना। माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। तो आप जानते हैं इनको, पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ पर हुई, तो आपको पता है हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये ज्ञान की प्राप्ति इनको 610 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इन्हीं के मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी उसी दौरान एक संबत का की शुरुआत हुई थी, उस संबत को हिजरी संबत के नाम से हम जानते हैं। और आप जानते हैं संबत के बारे में देखें तो बहुत सारी संबत, विक्रम संबत होगी, हिजरी संबत होगी, शक संबत होगी, इलाही संबत होगी, बलवी संबत होगी, तो इनके बारे में भी मैंने चैनल पे वीडियो पढ़ा हुआ है, पढ़ाया है डिटेल में, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो पैगंबर साहब थे, ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था, तो खादिजा से इनका विवाह हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, अली इनके पुत्र का नाम था। अगर हम पुत्री की बात करें तो आप जानते हैं इनकी पुत्री का नाम फातिमा था, ठीक। इनकी अगर मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। अगर हम बात करें कि इनका जो पवित्र ग्रंथ है, तो आप जानते हैं इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जब 632 में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु होती है, उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ उसको क्या कहा जाने लगा, खलीफा कहा जाने लगा, ठीक है। खलीफा जिसके लिए बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। और आप जानते हैं कि ये जो खलीफा था, इस्लाम धर्म था, इसी पद को लेके दो भागों में ये विभाजित हो गया था, है ना। इस्लाम धर्म दो ब्रांचेज में टूट गया था, दो शाखाओं में टूट गया था, सिया और सुन्नी। तो आप जानते हैं ये जो सिया थे, सिया ब्रांच वाले थे, ये क्या मानते थे, ये अली को अपना पैगंबर मानते थे, ठीक है। जो उनका पुत्र था अली, पैगंबर का पुत्र, उन्हीं को अपना क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, है ना। और जो ये सुन्नी था, ये सुन्नी ब्रांच के लोग मानते थे कि कोई भी इस पद पर आ सकता है, ठीक। तो आप जानते हैं ये जो खलीफा का पद था, इस खलीफा के पद को समाप्त कब किया, 1924 में ये समाप्त हुआ। और किसने समाप्त किया, तुर्की कमाल पाशा ने इसको समाप्त किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पॉइंट देखें कि ये जो इस्लाम धर्म है, इनकी शिक्षा शिक्षा के बारे में, तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म की शिक्षा कलमा हो गया, नवाज हो गया, रजमान हो गया, और आप जानते हैं हज हो गया और जकात हो गया। ये पांच इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।